Are you ready? अबे झूठ बोलेगा तो कौवा तो काटेगा ही। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। रेखा तुम क्यों थक गई हो ये बताओ। यार मैं थक गई हूँ एक सच्चा ढूंढ ढूंढ के, पर सच्चा है कि मिलता ही नहीं। ओहो तुम्हें तो मालूम है हम 20 तलाश करते हैं और उसमें से 19 जो होते हैं वो झूठे होते हैं और एक सच्चा होता है। तुम थक क्यों गई हो? यार सच्चा मिले तब ना हमारे कौवे की हालत तुम देख रही हो क्या हो गई है। अच्छी में उसके दांत जो बेचारे के घिस चुके हुए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, झूठ बोला तो कौवा काटे में होता ही ऐसा है। कभी तो मिलते हैं हमें सच्चे और कभी ज्यादातर हमें मिलते हैं झूठे। बिल्कुल सही बिंदु, बिल्कुल सही। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में होता क्या है, क्यों रेखा बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही बताते हैं। झूठ बोले तो कौवा काटे में हम ढूंढते हैं एक दोस्त और उनसे पूछते हैं 5 सवाल और उनके आंसर्स वेरीफाई करते हैं किससे, उनके किसी फ्रेंड से या किसी दोस्त से, और पूछते हैं कि वो सही हैं या गलत। यदि गलत होते हैं तो क्या होता है बिंदु? बिल्कुल क्या होता है आपको तो मालूम है दोस्तों, कौवा काट जाता है। और अगर सही होते हैं तो उन्हें मिलता है एक प्राइज। दिव्या ये बताइए आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? अब आप ये बताइए आपका फेवरेट विलेन कौन है? मुझे ये बताइए कि आपके 12th में कितने परसेंटेज थे? तो दोस्तों हमारे दोस्त मिल गए हैं, क्यों रेखा? बिल्कुल सही। तो दोस्तों आप पूछते हैं अपने दोस्तों का नाम पहले, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दिव्या। माय नेम इज़ चारू। दिव्या और चारू, तो हम गेम पहले शुरू करते हैं दिव्या से, उसके बाद चारू के साथ गेम खेलेंगे। दिव्या हम आपको अपने गेम के रूल्स बता दें। इसमें हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल, उसके आपको आंसर्स देने हैं। उसके बाद उन आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए आपको एक फ़ोन नंबर देना है जिसको हम अभी ऑन द स्पॉट करेंगे डायल। किसी भी क्लोज फ्रेंड या किसी भी क्लोज रिलेटिव का दे सकते हैं आप, और अगर वो आंसर्स आपके वेरीफाई हो गए तो आपको मिलेगा गिफ्ट, और अगर नहीं वेरीफाई होंगे तो हमने आपको जैसे कि बताया कि हमारे प्रोग्राम का नाम है झूठ बोले तो कौवा काटे, तो आपको जो हमारा कौवा है वो काट जाए। दिव्या ये बताइए आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? एट कॉलेजेस आई गेट अप एट 7 o'clock एंड ऑन संडेज एट 9। मतलब कि आप जब छुट्टी होती है तो 9 बजे उठती हैं और अगर आपको कॉलेज जाना है तो 7 बजे उठती हैं, राइट? वैसे आपको कोई एक्सरसाइज या कोई हेल्थ कॉन्शियस? नो नॉट एट ऑल। क्यों? आई जस्ट डू लिटिल बिट एक्सरसाइज विद माय मॉम, शी जस्ट डू समथिंग एट एंड गार्डन। वी हैव इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग? इन द इवनिंग, वी हैव गोन टाइम एंड मॉर्निंग, सो एट इवनिंग। मतलब कि आप रात को जाती हैं वॉक में अपनी मम्मा के साथ? इवनिंग में। ओके ओके, वो भी कभी कभी। लोग आजकल के बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। वी हैव ट्यूशंस आल्सो, वी हैव क्लासेस, सो वी आर सो बिजी। वी आर जॉइनिंग सम ट्रेनिंग इन शेर खान, सो वी आर आल्सो बिजी ओवर देयर। ओके, बाकी आप सुबह यूजुअली उठती हैं 7 बजे, क्योंकि संडे तो छुट्टी तो एक ही दिन आती है दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई हैव 2-3 कलर्स बट वन, क्योंकि फेवरेट तो एक ही रंग होता है, कुछ भी चीज़ हो तो फेवरेट तो एक ही चीज़ होती है ना, जो बहुत ज़्यादा रेड कलर। ओह रेड, उन्होंने डाला भी हुआ है, क्यों रेखा? सही कहा। मुझे ये बताइए कि आपकी मदर का फेवरेट हीरो कौन सा है? मेरी मॉम का फेवरेट हीरो आई थिंक सो ही इज आमिर खान। तो आमिर खान है आपकी मामा का, आपका फेवरेट नहीं है वो? अच्छा आप ये बताइए कि आपकी 12th में परसेंटेज क्या है? 12th में आई थी इन बेस्ट 482%। और कॉलेज के लास्ट ईयर में कितनी आई थी? कॉलेज के लास्ट ईयर 74%। अब लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट हीरो तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है फेवरेट हीरो तो सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान होते हैं। अब आप ये बताइए आपका फेवरेट विलन कौन है? फेवरेट विलन इन टीवी सीरियल्स और इन फिल्म इंडस्ट्री? गुशन। बैड मैन। तो आप किसका नंबर दे रही हैं हमें? दिव्या के भाई साहब यानी कि दीप्यांकुर। दीप्यांकुर, दीप्यांकुर वो सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह करीबन करीबन 7:45। कन्फर्म बोलिए। हैं? कन्फर्म? कन्फर्म 7:30 या 7:45। इन्होंने कहा 7:45 या 7:30।
पौने आठ या साढ़े सात? मैं बोली एक बताएं। एक बताइए। एक बताऊं तो साढ़े सात। कन्फर्म ना? तो कन्फर्म। साढ़े सात। साढ़े सात। या। अच्छा उनसे ये पूछिए कि जो उनकी मामा का है वो फेवरेट हीरो कौन है? अच्छा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी मम्मा का फेवरेट हीरो कौन सा है? मम्मा का फेवरेट हीरो? या मम्मा का फेवरेट हीरो सलमान खान। कंफर्म सलमान खान? सलमान खान। ओके बहुत बढ़िया। ओके आपकी जो सिस्टर है उनका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर? या समवॉट पिंक या फिर पिंकी। हां कंफर्म पिंक और रेड? नहीं एक 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 प्लीज एक एक पिंक ले लो आप। पिंक इन्होंने कहा पिंक। ओके मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इनकी ट्वेल्थ में परसेंटेज कितनी थी? किसमें? इस बार जो टेस्ट में? ट्वेल्थ में ये तो याद। ट्वेल्थ में? या 81% 81% दैट इज बेस्ट फोर। ओके चलिए ठीक है। और जो आपकी बहन है उनका विलन फेवरेट विलन कौन सा है? फेवरेट विलन? या फिल्म इंडस्ट्री में विलन? या अमरीश पुरी। अमरीश पुरी कंफर्म? यस। ओके ओके थैंक यू। वेलकम। ओके बाय बाय। आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा और इनके आंसर क्या है? क्यों बिंदु? बिल्कुल ऑपोजिट निकले, एक भी आंसर राइट नहीं गया। तो आपको मालूम ही है कि शी नो कि उनको कौवा काट गया। थैंक यू दिव्या। थैंक यू। चलिए दोस्तों अगले अपने जो फ्रेंड है हमारी उनसे बात करते हैं वो कितना सच बोलती है या उनके जो ब्रदर हैं या कोई क्लोज फ्रेंड है वो कितना सच बोलते हैं। हेलो। हेलो क्या नाम है आपका? चारू। चारू ये बताइए आपको मालूम तो चली गया है हमारे प्रोग्राम का सब्जेक्ट क्या है? क्या? झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोले तो कौवा काटे। तो कौवा काटे। तो तैयार है? हाँ। ओके मुझे ये बताइए कि आपके फादर का फेवरेट हीरो कौन सा है? फेवरेट हीरो नॉट पर्टिकुलर आई थिंक अमिताभ बच्चन। कंफर्म? या मुझे ये बताइए कि आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे? 82% बेस्ट फोर। ये तो फोर्थ क्लास हुए ना कि भाई आपके बेस्ट फोर में क्या थे वैसे कितने थे? वैसे 78%। ठीक है बिंदु। ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है विलन में वो कौन है? विलन में एक्ट्रेस इट्स अ टफ वन। बहुत ज़्यादा चलन हो गया कि जो विलन है ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी ही हो औरतें भी किसी के पीछे नहीं है। बिल्कुल सही कहा बिंदु। आप ये बताइए कि फेवरेट विलन बताऊँ? नहीं क्योंकि तो वो एक्ट्रेस होती होती है हमें अब मूवी एक्ट्रेस के बारे में बिपाशा बासु कन्फर्म है या आपका? ओके मुझे फोर्थ ये बताइए कि आपका फेवरेट खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सोच लीजिए फ़ोन करके कंफर्म किया जाएगा। ज़रूर। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मेरी बहन लीना। हाँ तो उसकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश ऑल वो खुद कुकिंग करती है और मुझे खिलाती है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी बनाती हूँ वो और बहुत अच्छी पाव भाजी। क्या नाम है उनका? लीना। लीना तो अब हम आपका फ़ोन नंबर जान सकते हैं जो आप फ़ोन नंबर देने वाली हैं। एक बार बताइए आंटी जी चारू के जो फादर हैं हाँ जी उनका फेवरेट एक्टर कौन है? अच्छा नहीं बताइए। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र हीरो भाजी। अच्छा ये बताइए मुझे भी आज जो चारू है उसकी ट्वेल्थ में परसेंटेज कितनी थी? उनकी 85%। अच्छा 85% सी। अच्छा ये बताइए जो चारू है जो उसकी जो फिल्मों में एक तो विलेन होते हैं जो मारते हैं या कुछ करते हैं एक लेडीज में जो होती हैं माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित अच्छा ये बताइए कि जो उसकी सिस्टर है लीना वो सबसे अच्छा क्या बनाती है और सबसे अच्छा क्या खिलाती है बनाती है? चाउमीन। चाउमीन। पाव भाजी। एक चीज़ बताइए पाव भाजी।
पाव भाजी, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि चारू का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। अरे क्या बात है, थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारू परसेंटेज उन्होंने सही नहीं बताई, और जय की जगह वीरू जी को आपके फादर का बेस्ट हीरो बता दिया। बिल्कुल सही। और भाई भाई नहीं है वो फिल्म में, भाई भी नहीं थे, दोस्त थे। ये दोस्त थी। हाँ तो दोस्त थे, भाई नहीं थे। तो भाई दोस्त से कम नहीं होते। अरे क्या बात है, ये तो एक डेफिनेशन है ही है कि दोस्त भाई से कम नहीं होते। मगर चलिए कोई बात नहीं, गलत तो हो ही गया। और बिपाशा बासु की जगह उन्होंने माधुरी दीक्षित को कहा। माधुरी दीक्षित ने अभी तक कोई विलन का काम नहीं किया मेरे हिसाब से, भी नहीं किया। हाँ ओके, चलिए कोई बात नहीं आंटी को शायद पता है ना। हाँ दो थे वो बिल्कुल ठीक है। पाव भाजी आपकी सिस्टर बहुत अच्छा बनाती है, और सचिन तेंदुलकर। चलिए दो आंसर्स आंटी को बिल्कुल याद थे। चारू थैंक यू सो मच, मगर आपको हमारे कौए ने काट लिया है। अब वी आर वेरी सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते। थैंक यू चारू। आपने देखा चारू का हाल बिल्कुल सही, सिर्फ दो सही और तीन गलत। सिर्फ दो सही जवाब दिए उसकी मदर ने। कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है, झूठ बोले तो कौवा काटे में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें झूठे ही मिलते हैं, सच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी हमारा एक टाइम है छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और फिर ढूंढेंगे किसी दोस्त को और देखेंगे वो शायद सच बोल दें। वेलकम बैक। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? रमा बत्रा। तो पहला क्वेश्चन ये, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मॉर्निंग 6 o'clock। 6 बजे उठ के क्या करती हैं? बेटे को स्कूल, घर का वर्क, आई एम अ हाउसवाइफ। ओके, मतलब कि 6 बजे उठ के पहले आप अपने बेटे को तैयार करती हैं, उसका जो ब्रेकफास्ट लंच होता है वो तैयार करती हैं, उसके बाद कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करती है? हाँ हल्की फुल्की, जॉगिंग जाती हूँ पर रेगुलर नहीं। कभी कभी, चलिए कॉन्शियस तो हैं आप। अच्छा आप ये बताइए कि जो आप अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के अलावा, जब आप शादी के बाद हनीमून पे, नहीं हम हनीमून की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बार कहाँ गए थे? पहली बार हम लोग डलहौजी गए थे। हनीमून के लिए गई होंगी? हनीमून के लिए हम लोग नैनीताल गए थे। अच्छा, कश्मीर बनता राइड्स चल रहे थे, नैनीताल गए थे हम लोग। अच्छा मतलब आपको वैसे तो नैनीताल गए थे और मगर आप पहली डेट मानने डलहौजी गए? या अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके फेवरेट जो विलन है वो कौन? फेवरेट विलन ऐसे तो दो तीन है, गुलशन गरोवर जी भी। बैड मैन, इज अ बैड मैन, अच्छी एक्टिंग करते हैं। अमरीश पुरी मेन, गुलशन गरोवर। चलिए ये बताइए कि अब आप किसका फोन नंबर दे रही हैं हमें? मेरे पास ही होता है, मेरे बेटे, बड़े बेटे के पास। क्या नाम है? पुंकी। पुंकी, पहला क्वेश्चन हमने आपकी मम्मा से पूछा था कि वो सुबह कितने बजे उठती हैं? मेरी मरवा 8 बजे, सुबह 7 बजे उठ जाती हैं। कंफर्म? यस 7 बजे उठ जाती हैं नॉर्मली। कितने बजे? 7। ओके चलिए ठीक है, उन्होंने कहा 7 बजे, ठीक है। ओके दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मा का फेवरेट कलर, या व्हाइट। ओके बिल्कुल सही। ओके तो मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी मम्मा सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हैं, आपको या आपके छोटे ब्रदर को? ये तो बहुत मुश्किल है, उनके नहीं 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 आप बताइए क्योंकि मुझे उन्होंने जवाब दिया है। ये तो वो भी नहीं कह सकती। नहीं उन्होंने बताया है मुझे, मेरे हिसाब से तो वो दोनों से करती हैं, मैं आपको ऐसे क्या कह सकता हूँ, हमारे बीच में ऐसा कोई उनके बीच में वो कंपैरिजन है ही नहीं। नहीं नहीं होगा, पर आपकी मम्मा ने मुझे बताया है कि वो किससे प्यार करती हैं, आप मुझे जवाब दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी। सच बताइए मुझसे। अच्छा आपसे प्यार करती हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आपकी मम्मा हनीमून को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ पहली बार बाहर कहाँ गई थी? बताइए। मतलब पापा से मैरिज के बाद? हाँ मैरिज के बाद, पर हनीमून को छोड़कर उसके बाद बाहर कहीं पर? हाँ जी डलहौजी। डलहौजी
ओके बिल्कुल ठीक कहा आपने. ओके मेरा जो फिफ्थ क्वेश्चन है. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ मेरा फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपकी मम्मा का फेवरेट विलन कौन सा है. विलन? या फिर भी आप बताइए, गेस कीजिए. अमरीश पुरी. ओके चलिए ठीक है. तो दोस्तों आपने देखा कि उन्होंने कितने जवाब हमें गलत बताए और कितने सही. क्यों? हाँ बिल्कुल, अमरीश पुरी बता दिया जबकि गुलशन ग्रोवर है आपके मनपसंद और कलर आपका पसंदीदा रेड. वो तुक्का लगाया. सब चीजों में तुक्का था? नहीं सब में नहीं. आप वो कह रहा था प्यार मुझे करती है मेरी मम्मा और आप हैं कि उसके छोटे भाई से प्यार करती है. कोई भी बेटा होगा वो ऑफिशियली वो यही बोलेगा कि मम्मा मुझे से प्यार करती है. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ नहीं, मेरे भाई के साथ प्यार करती है मेरी मम्मा. चलिए थैंक यू. हाँ थैंक यू रमा जी, थैंक यू सो मच. आपको कौवे ने काट दिया उसके लिए कुछ हो नहीं सकता. गिफ्ट हम आपको दे नहीं पाए. थैंक यू रमा जी. तो ये थी रमा जी. रेखा कैसा एक्सपीरियंस रहा था? ठीक रहा पर क्या करें, उनके जो जवाब थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे. कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है कभी कभी. क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें झूठे ही मिलते हैं? बिल्कुल सही कहा दिल्ली. कोई बात नहीं दोस्तों, झूठ बोला तो कौवा काटे के इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त, यानी कि रेखा बिंदु को दीजिए इजाज़त. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.